स्टेज पे मैं संगीता भटेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप इस गुड़ को बना के खाइए, एंजॉय कीजिए और सेहतमंद रहिए, और साथ में स्वीट्स की जो ग्रेवी होती है वो भी आपकी शांत होगी। जो लोग गुड़ नहीं खाते हैं, यानी कि गुड़ से गुड़ का जो टेस्ट है उन्हें पसंद नहीं आता है, उन्हें ये वाली ड्राई फ्रूट गुड़ की रेसिपी बहुत पसंद आती है। तो आज हमने दो तरह के गुड़ बनाए हैं। एक हमने बनाया है बादाम गुड़, जो आप ये लाल कलर का देख रहे हैं ये है बादाम गुड़, और ये जो दूसरा है ये है काजू और अखरोट मिक्स गुड़। दोनों ही गुड़ खाने में बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अगर पसंद आए तो फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सर्दियों में इस गुड़ को बना के ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बादाम गुड़ बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, और उसके अलावा चाहिए गुड़। गुड़ के साथ ही हम लेंगे घी। तो यहाँ मैंने लिया है 3/4 बाउल बादाम के, 1 बाउल मैंने लिया है गुड़ का, गुड़ को मैंने काट लिया है, और साथ ही लिया है 1/2 बाउल घी का। घी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और घी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियाँ अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक अच्छी बनी रहें तो घी को ज़रूर खाइए। साथ में चाहिए हमें कैशू यानी कि काजू, और साथ में चाहिए अखरोट। दो तरह के हम गुड़ बनाएंगे। इसमें आप चाहें तो सौंठ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आज लिया है 1 चम्मच सौंफ का, और 1 चम्मच मैंने ली है अजवाइन। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच सौंठ भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बादाम गुड़ बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, जिस भी ट्रे या थाली में आपने गुड़ को जमाना है उसे आप घी से ग्रीस करेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई को रखना है और कढ़ाई में डालना है घी। अगर आप इस प्रकार से गुड़ को बना के 1 महीना भी खा लेते हैं, आप 1 या 2 पीस रोज अगर खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करेगा। साथ ही आपके विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करना, खून की कमी को दूर करना, सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो हमने डालने हैं बादाम, और इसे हम हल्का फ्राई करेंगे। बादाम हमारे फ्राई हो गए हैं तो हम इसे अलग कर लेंगे। इसी घी में हम डालेंगे काजू और उन्हें भी फ्राई करेंगे। गैस जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रहेगा, क्योंकि काजू को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। बिल्कुल लो गैस पे हमने इसको बहुत हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही देखिए आप पिंक होने शुरू हो गए, हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना है। इसी घी में हमने अखरोट को भी फ्राई कर लेना है। अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसे भी अपनी डाइट में जरूर से शामिल कीजिए। बहुत ज़्यादा हमने इसे भी फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा फ्राई होने पे अखरोट बिटर टेस्ट देने लगता है, तो बहुत ही हल्का जैसे ये फूलना शुरू होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं 2 प्रकार के गुड़ तैयार कर रही हूँ, एक बादाम गुड़ और एक, अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 चीज़ों को मिक्स करके गुड़ बनाया जाए, तो हमने यहाँ कैशू और अखरोट को लेके गुड़ बनाया है। ये आप पे डिपेंड करता है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इतना ही लेना है। जितनी क्वांटिटी आप चाहें घटा या बढ़ा सकते हैं। जब तक हमारे काजू बादाम अखरोट ठंडे होते हैं तब तक हम गुड़ तैयार कर लेते हैं। गुड़ को इस तरीके से नाइफ से कट करना है। आप चाहें तो इसे पीट के भी कर सकते हैं, पीट लीजिए और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए, और या फिर नाइफ से बहुत इजीली ये कट हो जाता है। आपने इस तरीके से कट करना है ताकि हम जब इसे मेल्ट करेंगे तो ये तुरंत ही मेल्ट हो जाए। अब आप चाहें तो बादाम को 2 पार्ट में डिवाइड करके इस प्रकार से इसका गुड़ तैयार कर सकते हैं, या फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके
इस प्रकार से गुड़ तैयार कर सकते हैं। मैं इसे आज ग्राइंडर में पीसूंगी, तो मैं इसे दरदरा बनाऊंगी और इसी प्रकार से मैं इसे दरदरा बनाऊंगी। आप चाहें तो कैशू नट को भी इस तरीके से कट करके भी गुड़ बना सकते हैं। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपको पसंद है उस तरीके से आप इसे गुड़ को तैयार कर सकते हैं। बादाम को ग्राइंडर में डाल के मैं इसे दरदरा बना लूंगी। हमने यहाँ बादाम को ग्राइंडर में डाल के दरदरा पीस लिया है, इसी प्रकार से हमने कैशू और अखरोट को भी पीस लिया है। अब आप अगर बाइट में बहुत ज़्यादा क्रंच चाहते हैं तो इसे और मोटा रखिएगा, मैंने कुछ बारीक किया है, और अगर आप चाहें तो काट के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बादाम गुड़। बादाम गुड़ के लिए हमने घी को गर्म करना है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा मैं इसमें दूंगी अजवाइन का तड़का। आप चाहें तो इसमें सौंफ और सौंठ को भी डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन, उसे डाल दिया है। अजवाइन को बहुत तेज गर्म घी में हमने नहीं डालना है, वरना वो बर्न हो जाएगी। और जैसे ही अजवाइन हल्का सा फ्राई होना शुरू हो हम डालेंगे इसमें 1 बाउल गुड़। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इतना गुड़ लेना है, इतना बादाम लेना है, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। आप चाहें तो इक्वल प्रिपोर्शन में ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 और 2 के रेशो में ले सकते हैं। बस आपने ध्यान यही रखना है कि इसमें घी जरूर से यूज़ करना है, जिससे कि जो गुड़ बनेगा वो खाने में बहुत टेस्टी सॉफ्ट बनेगा, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर विंटर्स में आप 1 महीने के लिए इस गुड़ को खा लेते हैं तो पूरा साल भर आपकी बॉडी में जल्दी से कोई भी डिजीज़ जो है वो नहीं लगेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं गुड़ जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, तो सर्दियों में इसे ज़रूर से खाइए, और आप इसे व्रत या उपवास में भी खा सकते हैं। अब हमने इसकी चिक्की नहीं बनानी है, तो आपने ध्यान रखना है गुड़ को सिर्फ हमने मेल्ट करना है, और इसमें डाल देंगे हमने जो बादाम को क्रश करके रखा है। गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस बादाम गुड़ को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम दूसरे गुड़ की तैयारी कर लेते हैं, फिर हम इसे जमाएंगे। हमने जो पैन में हाफ घी को निकाला था उसी घी में हम पूरा घी गर्म होने से पहले ही हम डालेंगे सौंफ। आपने देखा होगा सारा सेम प्रोसेस है, हमने जो सौंफ लिया है उसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, सिर्फ हमने हल्का फ्राई करते ही गुड़ को डाल दिया है, और गुड़ के मेल्ट होने पे हम इसमें डालेंगे कैशू। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना है, ताकि गुड़ जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट बने। ये जमने की स्टेज पे आ गया है, तो इसे अब हम जमाएंगे। मैं दोनों ही एक ट्रे में सेट कर रही हूँ, तो मैंने ट्रे को पूरा ग्रीस कर लिया है। अब इस पे डालेंगे। ये मैंने लिया है काजू और अखरोट वाला मिश्रण। अब थिकनेस आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, जितना मोटा या पतला आप गुड़ को रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे सेट कीजिएगा। और ये है हमारा बादाम गुड़। काजू वाले गुड़ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से सौंफ। आप चाहें तो इसे काजू अखरोट किसी के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, और इसे हल्का हल्का हम प्रेस कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके पीसेस को कट करेंगे। हमारा ये ड्राई फ्रूट गुड़ जो है ठंडा हो गया है, अब हम एक शार्प नाइफ की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कर सकते हैं।
ऐसे ही हम दूसरे गुड़ को भी काट लेंगे। तो ये देखिए हमारा बादाम गुड़ कितना सॉफ्ट, बिल्कुल किसी बर्फी से कम नहीं है। तो आप इस बादाम गुड़ को ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी है। आप चाहें तो इसे मॉर्निंग में खाएं या खाने के बाद एज ए स्वीट भी ले सकते हैं। आप इस गुड़ को ज़रूर से बना के एंजॉय कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो और वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया हो तो फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी इसी तरह की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। थैंक यू।